तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं फोटोग्राफी एग्जीबिशन इन रिलायंस ग्रीन्स। बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, तो चलिए आकर के मिलते हैं अपने फोटोग्राफर से और देखते हैं उनकी फोटोग्राफी और पेंटिंग्स। सो दोस्तों, ये अभी फोटोग्राफी एग्जीबिशन फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम में लगी हुई है, तो लेट्स गो देयर। अभी हम लोग हैं DHA सेंटर, वी आर गोइंग टूवर्ड्स फर्स्ट फ्लोर। आप सभी लोगों से निवेदन है कि 27 तारीख से पहले पहले तक इसमें आइए और जरूर आकर के यहाँ पर एंजॉय करिए। तो ये है हरिओम भाई, लेट्स गो। सो इस बार का जो ग्रीन्स फोटोग्राफी क्लब का है वो है थ्रू द लेंस, और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सभी फोटोग्राफर्स अवेलेबल हैं। आप आकर के कुछ अगर ट्रिक्स सीखना भी चाहते हैं यहाँ पे, तो भी आपको वो लोग ट्रिक्स बताएंगे। यहाँ एक सेल्फी कॉर्नर है जिसमें आप जाकर के अपना सेल्फी भी खिंचवा सकते हैं थ्रू द लेंस 2023। सो लेट्स गो इनसाइड, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, अभी आज हम लोग अंदर में आ गए। मैं ज़्यादा फोकस अभी आपको नहीं करूँगा कि आप किसी एक ही फोटोग्राफर की फोटोग्राफ्स को देखें, बट यहाँ बहुत वैरायटी है। हो सकता है आपको लैंडस्केप्स पसंद आते हैं, कोई कोई हमारे फोटोग्राफर हैं जो बर्ड्स की फोटोग्राफ खींचते हैं, एनिमल्स की फोटोग्राफ्स लेते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने सिर्फ बच्चों की फोटोग्राफ ली है, कहीं कोई चिड़िया की फोटोग्राफ बहुत अच्छी लेता है। आप भी यहाँ पर आइए, आकर के ये जानिए कि आपको कौन सी फोटोग्राफ अच्छी लगती है और उसके खींचने का तरीका क्या है। अपने बच्चों को साथ में लेकर के आइए और बच्चों को ये सीखने दीजिए कि वो लोग कौन सी फोटोग्राफ को समझते हैं और कैसे उसको खींचा जाता है। यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस है लोगों को। आप जब यहाँ पर आएंगे, देखिए कितना सुंदर फोटोग्राफ लिया है, और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, और जिन्होंने भी फोटोग्राफ खींची हैं वो सब लोग यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए, बच्चों को ये बताने के लिए कि फोटोग्राफी को कैसे किया जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को आंखों से देखते हैं तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ उतनी अच्छी ना भी समझ में आए, लेकिन वो लेंस में से जब निकल करके बाहर आती है तो देखिए ये वही मोर है जो आप हमेशा देखते हैं, लेकिन यहाँ आपके सामने ये ऐसा रखा जाएगा कि जैसा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इन लहरों को देखिए कितना सुंदर। आप ज़रूर आइए यहाँ पर और आकर के सीखिए कि फोटोग्राफी क्या होती है और उसको कैसे किया जाता है। सो वी वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, ये है थ्रू द लेंस की टीम जिन्होंने आपके लिए यहाँ पर सजाई है वो दुनिया जो आप अपनी आंखों से देखते हैं बट समझ में शायद ना भी आती हो, बट इनके लेंस के थ्रू जब वो आती है तो वो इतनी सुंदर दुनिया है कि आप भी चाहेंगे कि आप अपने घर पे भी उस तरह की फोटोग्राफी करें। तो इन सभी लोगों की तरफ से आपको एक ग्रैंड वेलकम है, प्लीज कम एंड वॉच द शो थ्रू द लेंस। सर, क्या कहना चाहते हैं आप इनको, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर क्या देखने के लिए आएंगे? नहीं, यहाँ पे वो एक नया स्किल फोटोग्राफी, कोई भी चीज़ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। तो अपने कैमरे से कैसे उसको कैप्चर करना और उसको हमेशा के लिए फ्रीज करके रखना, कभी भी देखें तो उनको अच्छा लगेगा। तो सीखने के लिए, समझने के लिए हमारी टीम है। तो कोई भी तो है, हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हरिओम भाई को जानते हैं। सर, आपकी जो फोटोग्राफी है उसमें सिर्फ मोबाइल फोन ही यूज होता है? मोस्टली मोबाइल फोन यूज होता है, और मेनली पर्सपेक्टिव है। आपने सेम जगह टाउनशिप की देखी होगी लेकिन आपने वो पर्सपेक्टिव से नहीं देखा होगा। दैट इज द क्रिएटिविटी यू कैन सी हियर, एंड यू कैन लर्न मोबाइल फोटोग्राफी एज वेल एज DSLR एंड अदर जनर ऑफ फोटोग्राफी ऑल्सो बाई ज्वाइनिंग अवर क्लब ऑल्सो। यू कैन विजिट द एग्जीबिशन एंड देन यू कैन ज्वाइन द क्लब इफ यू आर हैव अ पैशन टू गो फर्दर इन द फोटोग्राफी एज अ हॉबी। थैंक्स। राइट सर, और मैं तो स्पेशली बोलूंगा कि अगर लेडीज कोई जानना चाहती हैं कि फोटोग्राफी करने का क्या तरीका हो सकता है तो वो मैम से आकर के जरूर मिले। हेलो मैम, क्या बोलना चाहेंगी आप? मतलब लेडीज अगर यहाँ पर आती हैं तो उनको स्किल सीखने को मिलेगा, यहाँ पर जानने को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। फोटोग्राफी के थ्रू हम अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी सोच दुनिया को दिखाते हैं। वो किसी भी चीज़ को देखने का तरीका होता है, हम किसी चीज़ को जूम करके भी देख सकते हैं और किसी चीज़ को दूर से भी देख सकते हैं। तो वो सोच हम अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग करना तो चाहते हैं बट वो स्किल आती बहुत कम है। कैमरा हम सब के पास है, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास कुछ है, बट वो जो कैमरा है उसको यूज़ कैसे करना है ज़रूर सीखने आइए। दोस्तों, ये टीम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर है। हम लोग 27 तारीख तक यहाँ पर हैं,
और आप में से जो भी यहाँ पर आएगा उसको जरूर एंड जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने बच्चों की फोटोग्राफ बहुत अच्छी खींच पाएंगे। थैंक यू।